गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 7th जनवरी 2018 और आज हम जाने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया। सो मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर खाना वाना खा लेता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं अभी एक सेकेंड माया। सो आई एम रेडी एंड आई वॉज सपोज टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, बट क्योंकि कल सैटरडे था और सैटरडे को मेरा मूवी नाइट होता है, मतलब मेरे पूरा रात भर मैं मूवी देखता रहता हूँ, और इसलिए मैं सोचा था कल देखूंगा नहीं, लेकिन देख लिया, एक अच्छी मूवी थी तो देख लिया। और हाँ, तो एक्चुअली मैं आज अकेले नहीं जाने वाला था, मेरे साथ सागर भाई जाने वाले थे। आपको शायद याद होगा अगर आपने मेरा वो पहला ब्लॉग देखा होगा तो, और ये भाई अपना सागर भाई थे, लेकिन उनको कुछ काम आ गए तो वो भी नहीं जा पाए, तो आज मैं अकेले भी जा रहा हूँ। और मेरे घर से गेटवे ऑफ इंडिया लगभग 30 किलोमीटर के ऊपर होगा, और चलो चलते हैं फिर अकेले। तो ट्रेन से उतर के अभी मुंबई की रोड में जा रहा हूँ। आप देखिए कितना क्लोज हो गया, काफी अच्छा जगह है। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे काफी अच्छा है। तो यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर है, मैं सोचा कि बस से जाने से अच्छा है या फिर रिक्शा से जाने से अच्छा है, पैदल चलते कुछ मिलेगा, शायद फुटेज मिल जाएगा कुछ दिखाने के लिए आपको। जा रहा हूँ राइट साइड पे, जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग वहाँ पे से जा रहे हैं, और बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए जगह भी है। मैं जिस एरिया पे रहता हूँ ना अंधेरी में, वहाँ पे उतना अच्छा रोड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इसलिए मतलब जो रास्ता है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे और क्या लग रहा है यार, मतलब काफ़ी अच्छा, मुझे आपके लिए ऐसे रोड काफ़ी पसंद है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रोड है ये, देख लिया। हाँ,
एरिया काफ़ी कूल एंड काम है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना काफ़ी पुराने और लग्जरियस है और हमारे सामने बिल्कुल सामने ये गेटवे ऑफ इंडिया। जाने के लिए शायद हमें उस तरफ से जाना पड़ेगा। और हाँ, हमारे सामने इधर होटल ताज। जो गेट ऑफ इंडिया बनी है इधर वो 1911 में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी आने वाले थे तो उनके वेलकम के लिए ये बनाया गया था। वो पीछे सार घूमते भूख लगने लगी है, कुछ खाना खा लो। क्या खाएंगे क्या खाएंगे? सो थोड़ा सा स्नैक्स खाने के बाद मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया था और सोचा अगर वो होता तो यहाँ पे आके हम मिल लेते, लेकिन वो था नहीं, वो घर चला गया है। तो इसलिए अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है और घर वापस जाने का भी टाइम हो गया है। सो लेट्स गो टू होम। गाइज, आज के लिए इतना ही। एक्चुअली मैं आने के बाद बहुत थक गया था और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी लेट गया था और आधा घंटे तक शायद सो भी गया था। और अभी एडिट कर रहा हूँ वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और बस और कुछ नहीं, अभी ये वीडियो टाइम पर आ जाएगी और काफ़ी बहुत टायर्ड लग रहा है, अभी सोने जा रहा हूँ यार। मतलब अभी टाइम क्या हुआ, मेरा फ़ोन 1 बज गया। चलो भाई, गुड नाइट। आप तो सुबह देखोगे, ठीक है। वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। बाय बाय।